सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेसी मोतीचक गांव में दोपहर के 1 बजे एक सिरफिरे ने धारदार हथियार से कई लोगों पर हमला कर दिया, जिससे कि पूरे गांव में 1 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं घटना में 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान मोतीचक के रहने वाले 60 वर्षीय श्याराम मंडल के रूप में हुई है, जबकि दूसरे मृतक की पहचान 10 वर्षीय बालक रवि कुमार के रूप में हुई है। वहीं घायल की पहचान महेसी गांव के रहने वाले माहेश्वरी देवी, रामदेव यादव, सबनम खातून के रूप में हुई है। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए रेफर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति नाजुक देख चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सुल्तानगंज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद सिरफिरे युवक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। घटना के बाद उग्र ग्रामीणों ने सुल्तानगंज पुलिस जीप पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया, जिससे पुलिस जीप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर लॉ एंड ऑर्डर DSP डॉक्टर गौरव कुमार भी पहुंचे और परिजनों से पूछताछ की और समझा बुझा कर ग्रामीणों को शांत कराया। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि सिरफिरा युवक ने अपने पिता सियाराम मंडल के ऊपर धारदार हथियार से कई बार हमला कर दिया, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बचाने वाले लोगों पर भी हमला कर दिया। वो विकृत है, मानते हैं उसका सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने 4 लोग के ऊपर, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है, 4 लोग के ऊपर अटैक किया। 2 जो लोग हैं, 1 70 साल के उनके पिता उनकी मृत्यु हो गई है, उन बच्चा था 5 साल के आसपास उनकी मृत्यु हो गई है, और 2 लोग जख्मी हैं, अभी खतरे से बाहर हैं, उन लोगों का इलाज चल रहा है। और जो मारने वाला है वो भी घायल हो गया है और उनकी भी इलाज चल रही है मायागढ़ अस्पताल। प्रथम दृष्टि से लग रहा है सर, देखिए जैसे कि अभी तो जैसे मैंने बोला कि सुनने में आया है कि जैसे समाज भी बोला और जिस तरीके से जो कृत्य हुआ है, सब लोग बोल रहे हैं कि वो मेंटली जो है अनस्टेबल है, तो उस चीज़ का सत्यापन किया जाएगा और आगे की फिर विधिवत कार्रवाई। पुलिस वाले को क्षतिग्रस्त किया गया है, इसका अभी कोई सत्यापन हुआ नहीं है। हम लोग देखेंगे अगर कुछ ऐसा होगा, ऐसा अगर व्यवधान डाला गया है पुलिस की कार्रवाई में तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा सत्यापन हुआ नहीं है। देखिए ग्रामीणों से ये अपील है कि कोई भी सूचना हो पुलिस को दें, इस पुलिस का सहयोग करें और जल्दी कुछ भी ऐसा भविष्य में भी ऐसा दिखता है तो पुलिस हर संभव मदद करेगी।